जिला कारागार धर्मशाला में आज कैदियों के लिए रोटरी क्लब धर्मशाला और स्वास्थ्य विभाग जिला कांगड़ा के प्रयास से मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। वहीं इस कैंप में मुख्यतः टीबी के लक्षणों की जांच की गई और इसके अलावा भी कैदियों के स्वास्थ्य को जांचा। इस दौरान कैदियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। प्रशासन का प्रयास है कि कारागार में मौजूद कैदियों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसी कड़ी में आज कैंप का आयोजन किया गया। जी, आज जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि यहाँ रोटरी क्लब के माध्यम से हमने एक्टिव टीवी डिटेक्शन का, जो जेल इन्वेंट्स में उनमें कितनी की टीवी है, उसके लिए हमने एक हैंड होल्डिंग एक्सरे की तरफ से टीवी को जांचने की एक प्रक्रिया शुरू की है, ताकि जो जेल इन्वेंट्स हैं इनका ज़्यादातर जो है हेल्थ चेकअप नहीं होता है। तो जेल प्रशासन और रोटरी क्लब की तरफ से एक बड़ा अच्छा सुझाव है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसके तहत हम जेल इन्वेंट्स में एड्स का कितना इंसिडेंट है उसका भी टेस्ट करेंगे, हेपेटाइटिस बी और सी का कितना इंसिडेंट है उसका भी ये टेस्ट होगा। सर, अमूमन देखने में आता है कि अगर टीबी हो तो लोग सामने नहीं आते हैं, और क्या मैसेज देंगे सर कि जो अगर ऐसी बीमारी हो तो? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि आजकल जो इसको एक वो कलंक जैसा माना गया, वो ऐसा नहीं है। टीबी जो है बिल्कुल इलाजेबल, जो ट्रीटेबल बीमारी है, ये मतलब ऑलमोस्ट 100% क्यूरेबल है, अगर इसको टाइम पे इसका डिटेक्ट किया जाए और टाइम पे इसका इलाज किया जाए। तो मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि किसी को अगर लंबी खांसी और बुखार है 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो काइंडली वो अपना एक्सरे या फिर वो बलगम टेस्ट कराए। कहीं ना कहीं टीवी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए निक्षय मित्र भी एक बनाए गए हैं, क्या कहेंगे सर? निक्षय मित्र तो हेल्प होती है ना जी, वो जो उनको जो फूड बास्केट्स हैं, वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट होती है, वो है, उसके थ्रू निक्षय मित्र के थ्रू दिया जाता है। अभी तक सर बात करें जिला कांगड़ा में कितने निक्षय मित्र हैं जो सर घर द्वार जाकर लोगों को सामान वितरित कर रहे हैं? लगभग 600 के करीब हैं, 600 के करीब हैं जो उनको घर द्वार जो है। निक्षय मित्र द्वारा सर जो टीवी पेशेंट है उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? नहीं, उनसे ट्रीट नहीं करते, वो उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि टीवी के रूप में असर अक्सर पाया गया है कि उनके माल न्यूट्रिशन बड़ी प्रेवलेंट है, जिसकी वजह से उनका टीवी का जो है आक्रमण होता है। जिला कारागार उपनिदेशक विकास भटनागर ने कहा कि रोटरी क्लब और सीएमओ कांगड़ा के प्रयास से इस हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से कैदियों को सुविधा मिलती है और कारागार के अंदर ऐसी सुविधा मिलना बेहतरीन है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस टीम का और रोटरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कैदियों के स्वास्थ्य के लिए एक ये प्रोग्राम यहां पर कंडक्ट किया। कैदियों के स्वास्थ्य के लिए हम लोग भी सब प्रयासरत रहते हैं, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों के कारण हम लोग जो हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या पुलिस एस्कॉर्ट की समस्या के कारण हम लोग इनको इतना रेगुलरली हॉस्पिटल नहीं दिखा पाते, तो उसके लिए आज हॉस्पिटल स्वयं चलकर जेल में आया है। तो मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी पहल है समाज की कैदियों के बारे में सोचने की, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कितना फ़ायदेमंद मानते हैं सर इस तरह के हेल्थ चेकअप यहाँ होते हैं कारागार में? मैं बहुत ज़्यादा इसको हेल्पफुल मानता हूँ, क्योंकि बाहर यदि कैदी जेल से बाहर है तो कभी भी कोई उसकी शारीरिक समस्या है तो वो स्वयं जाकर अपना इलाज करवा सकता है, परंतु यहाँ पर उसको प्रशासन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, और प्रशासन यदि किन्हीं कारणों से उसको समय पर इलाज ना दे पाए तो प्रशासन की मैं बोलता हूँ फेल है उस स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रशासन की तरफ से इस तरह का सहयोग जेल को मिलता रहेगा कि समय समय पर इस प्रकार के हेल्थ कैंप लगते रहेंगे, तो यहाँ पर हम उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बात करें सर यहाँ जिला कारागार में कितने कैदी हैं? आज की डेट में हमारे पास 362 के करीब हैं।